नमस्कार। मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप सब लोग जानते होंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। ये कोलाज तस्वीर है और इस तस्वीर के पीछे का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा और गौरवशाली इतिहास है अजहरुद्दीन के लिए। क्या है ये इतिहास, हम आपको आज यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में क्या है। दरअसल रेट्रो जर्सी में एक तरफ मोहम्मद अजहरुद्दीन नजर आ रहे हैं, वो एक बल्ले की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अजहरुद्दीन की जर्सी की है और तीसरी तस्वीर एक बल्ले की है जिस पर आपको कुछ चिपका हुआ नजर आएगा, कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं इसमें। ये बल्ला अजहरुद्दीन के लिए क्यों खास है, ये अजहरुद्दीन ने अपने ट्विटर पर खुद बताया है। उन्होंने लिखा है कि वो इस बैट से रिकॉर्ड बना चुके हैं। 84-85 में जब उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया और अपना पहला 3 टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, तब उन्होंने इस बल्ले से 800 रन बनाए थे। ये बल्ला उनके दादाजी ने चुना था और इस बल्ले से वो खेला करते थे। अजहरुद्दीन एक तरीके से बल्ले को देखते हुए पुरानी यादों में लौट गए। हम ये तस्वीर आपको बार बार दिखा रहे हैं। अब क्या रिकॉर्ड था इस बल्ले से अजहरुद्दीन का, आप वो समझिए। अजहरुद्दीन, आप सबको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, ये साल 1984-85 की बात है। पहली पारी में जब इंग्लैंड के साथ उनका डेब्यू हुआ तब 322 गेंदें खेली थी अजहरुद्दीन ने और 110 रन बनाए थे उन्होंने। ये जो पहला टेस्ट मैच था वो ड्रॉ रहा था। जब दूसरे टेस्ट मैच में उतरे तो पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 48 रन बनाया अजहरुद्दीन ने। लेकिन उसके बाद जब दूसरी पारी खेलने के लिए उतरे तब 105 रन अजहरुद्दीन ने बनाए। पहली पारी में सिर्फ 48 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद इस टेस्ट को इंग्लैंड हालांकि जीत गया था, 9 विकेट से इंग्लैंड जीतने में कामयाब रहा था। अब तीसरा टेस्ट मैच देखिए जो कानपुर में खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ ही, तब अजहरुद्दीन ने 270 गेंदों पर 122 रन बनाए थे और उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया था। दूसरी पारी में अजहरुद्दीन सिर्फ 45 गेंदों पर 54 रन बना पाए और तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। यानी 3 टेस्ट मैच में मिलाकर अजहरुद्दीन ने 800 के करीब रन बनाए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अजहरुद्दीन के नाम आज भी ये रिकॉर्ड है। वैसे उनके पूरे टेस्ट करियर पर अगर आप नज़र डालेंगे तो 99 टेस्ट मैच खेल चुके हैं उन्होंने, अब तक 22 शतक लगाए हैं, 45 की औसत से उन्होंने 6215 रन टेस्ट मैचेस में बनाए हैं और 21 अर्धशतक लगाया है अजहरुद्दीन ने। इसके साथ साथ 334 वनडे मैच अजहरुद्दीन ने खेला है, भारत के सफल कप्तान रहे हैं। 334 वनडे में 7 शतक अजहरुद्दीन लगा चुके हैं, 58 अर्धशतक लगा चुके हैं और उन्होंने करीब 9378 रन बनाए हैं। तो ये बल्ला उनके उस इतिहास की तरफ लेकर जाता है जब उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा था, जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। ये बल्ला सीधे उन्हें उसी याद की तरफ लेकर चला जाता है। इसलिए वो रेट्रो जर्सी, वो रेट्रो कैप और वो बल्ला, ये तीनों देखिए कितना भावुक कर देता है अजहरुद्दीन को। उनकी बातों से ये बात आप समझ सकते हैं।